أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أي نبي قهو मेरी ओर प्रकाशना की गई है कि जिन्नों के एक गिरोह ने ध्यान से सुना फिर जाकर अपनी कौम के लोगों से कहा कि हमने एक बड़ा अजीब कुरान सुना है जो सीधे मार्ग की ओर मार्गदर्शन करता है इसलिए हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब हम हरगिज अपने रब के साथ किसी को सहभागी न ठहराएंगे और ये कि हमारे रब का गौरव बहुत उच्च है उसने किसी को बीवी या बेटा नहीं बनाया है और ये कि हमारे नादान लोग अल्लाह के संबंध में बहुत सत्य विरोधी बातें कहते रहे हैं अन्ना और ये कि हमने समझा था कि इंसान और जिन कभी अल्लाह के विषय में झूठ नहीं बोल सकते और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते थे इस तरह उन्होंने जिन्नों का घमंड और ज्यादा बढ़ा दिया और ये की इंसानों ने भी वही गुमान किया जैसा तुम्हारा गुमान था की कि अल्लाह किसी को रसूल बना कर न भेजेगा और ये कि हमने आसमान को टटोला तो देखा कि वो पहरेदारों से पटा पड़ा है और उल्काओं की वर्षा हो रही है और ये कि पहले हम सुनगुन लेने के लिए आसमान में बैठने का स्थान पा लेते थे मगर अब जो चोरी छिपे सुनने का प्रयास करता है वो अपने लिए घात में एक उल्का लगा हुआ पाता है और ये कि हमारी समझ में नहीं आता था कि क्या जमीन वालों से कोई बुरा व्यवहार करने का इरादा किया गया है या उनका रब उन्हें उचित मार्ग दिखाना चाहता है وكنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس سے ادھم ہیں ہم وبھن طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں ظَنَنَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے कि न जमीन में हम अल्लाह को बेबस कर सकते हैं और न भाग कर उसे हरा सकते हैं और ये कि हमने जब मार्गदर्शन की बात सुनी तो हम उस पर ईमान ले आए अब जो कोई भी अपने रब पर ईमान ले आएगा उसे किसी तरह के हक मारे जाने या जुल्म का डर ना होगा और ये कि हम में से कुछ मुस्लिम यानी अल्लाह के आज्ञाकारी हैं और कुछ सत्य से हटे हुए तो जिन्होंने इस्लाम यानी आज्ञा पालन का मार्ग ग्रहण कर लिया उन्होंने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया लि और जो सत्य से हटे हुए हैं वे जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं अला और ए नबी कहो मुझ पर यह प्रकाशना भी की गई है के लोग अगर सीधे मार्ग पर चलते तो हम उन्हें खूब सिंचित करते ताकि इस नेमत से उनकी आजमाइश करें और जो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसका रब उसे सख्त अजाब में ग्रस्त कर देगा और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं अतः उनमें अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए ए नबी कहो मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता कहो मैं तुम लोगों के लिए न किसी हानि का अधिकार रखता हूँ न किसी भलाई का कहो, मुझे अल्लाह की पकड़ से कोई बचा नहीं सकता और ना मैं उसके दामन के सिवा कोई शरण लेने की जगह पा सकता हूँ मेरा कार्य इसके सिवा कुछ नहीं है कि अल्लाह की बात और उसके संदेश पहुंचा दूं। अब जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात ना मानेगा उसके लिए जहन्नम की आग है और ऐसे लोग उसमें हमेशा रहेंगे ये लोग अपनी इस नीति से बाज न आएंगे यहाँ तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि किसके सहायक कमजोर हैं। और किसका जत्था संख्या में कम है इन कहो मैं नहीं जानता कि जिस चीज का वादा तुमसे किया जा रहा है वो नजदीक है या मेरा रब उसके लिए कोई लंबी अवधि नियत करता है वो परोक्ष का जानने वाला है अपने परोक्ष को किसी पर प्रकट नहीं करता सिवाय उस रसूल के जिसे उसने परोक्ष का ज्ञान देने के लिए पसंद कर लिया हो तो उसके आगे और पीछे वो रक्षक लगा देता है ताकि वो जान ले की उन्होंने अपने रब के संदेश पहुँचा दिए और वो उनके पूरे वातावरण यानि माहौल को घेरे में लिए हुए है और एक एक चीज को उसने गिन रखा है